Good morning, dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So, kids, today we are going to learn EVS. Your book name is Stapling. So, kids, today we are going to start up a new chapter, that is chapter number 15, Transport and Communication. In this chapter, we will going to learn about means of transport. So, kids, the question is, what is transport? Transport kya hota hai? So, kids, when you go to one place to another, you will go by a transport. For short distance, you will carry, you will go by bicycle, by car. And when you need to go long distance, you will carry, you will go by bus. Jab aapko bachon ko kahin dur jana hota hai, one city to another city, to aap kya karte ho? Aap kaise jaate ho? Kya aap बाइसाइकिल से जाते हो? नो, यू विल गो बाय बस. आप किससे जाओगे? आप बस से जाओगे. और बसों जब आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना होगा तो आप कैसे जाओगे? थोड़ा सा सोचिए. यस, यू ऑल विल गो बाय प्लेन. तो बच्चों, देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं? थ्री टाइप के. कौन कौन से? चलिए मेरे साथ साथ बोलिए. लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आएंगे? कार, साइकिल, बस. जो चीजें लैंड पर चलती हैं उनको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ बोट. बोट कहाँ चलता है बच्चों? बोट चलता है वॉटर में. तो ये क्या है? ये है आपका वॉटर ट्रांसपोर्ट. लाइक शेप, बोट आर लैंड सॉरी वॉटर ट्रांसपोर्ट. Now, what is this? This is a plane. Plane कहाँ होता है? Yes, ये उड़ता है आपका sky में. तो ये क्या है? ये है आपका कौन सा transport हुआ बच्चों? Air transport. So, in this chapter, we will going to learn about transport, means of transport and means of communication. So, let's start. Firstly, open page number 106. Now kids, look at this picture. What you have to do in this? Look at the picture and name the vehicle. आपको ये पिक्चर देखनी है और इन व्हीकल्स का नेम लिखना है. व्हीकल्स यानी कि वाहन. वाहन यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिस पर बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो ये क्या है? ये तो आप सब लोगों को पता है ना बच्चों. क्या है ये? ये है बस. तो आपको यहाँ दिए हुए बॉक्स में क्या लिखना है? आपको इसमें बस लिखना है. BUS, बस. ऐसे ही आपको इस पिक्चर को देख के इसका नेम लिखना है और इसका भी आपको नेम लिखना है. नाउ लेट स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट. वी यूज डिफरेंट व्हीकल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स बच्चों, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका यूज करते हैं? व्हीकल का. व्हीकल यानी कि वाहन. ट्रैवल यानी कि यात्रा, है ना. जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल का यूज करते हैं. वी ऑल्सो यूज देम टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट थिंग्स. यानी कि हम, जैसे कि हमें कोई चीज भेजनी है. मान लीजिए आप रामपुर में रहते हैं और आपकी नानी का घर दिल्ली में है और आपको कुछ चीज़ वहाँ पर भेजनी है. आपको नानी के यहाँ से कुछ मंगाना है या कुछ भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? आप व्हीकल के थ्रू ही तो भेजोगे. आप किसी को दे दोगे जो उनके पास जा रहा है, या किसी बस में, किसी ट्रेन में रखवा दोगे जिनसे वो चीज़ उनकी सिटी तक पहुँच जाए. तो किसके थ्रू भेजा आपने? आपने व्हीकल के थ्रू भेजा. These vehicles are called means of transport. बस इन्हीं vehicles को means of transport कहते हैं. Let us read about the means of transport used by Raj and his family. अब हम देखेंगे कि राज और उसकी फैमिली ने कौन से ट्रांसपोर्ट को यूज किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. There are three means of transport. कितने टाइप के means of transport होते हैं? Three. ये मैंने अभी आपको बताया भी है. Land transport. Land transport यानी कि जो कि land पर चलते हैं. Water transport यानी कि जो water में चलते हैं. For example, ship, boat
एंड एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट अभी मैंने बताया बच्चों, मुझे बताइए कौन सा बताया मैंने आपको. नाउ राज एंड हिज फादर गो टू मेक मार्केट ऑन अ मोटर बाइक. अब राज और उसके फादर मार्केट जा रहे हैं किस पर? मोटर बाइक पर. मोटर बाइक किसका एग्जाम्पल है? मोटर बाइक एक लैंड ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये लैंड पर चल रहा है, यानी कि जमीन पर चल रहा है. राज मदर टेक द लोकल ट्रेन टू गो टू ऑफिस. बच्चों जैसे कि जो बड़ी सिटी होती है मुंबई दिल्ली, यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत बड़ी सिटीज हैं, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी ट्रेन चलती है. जैसे कि दिल्ली में मेट्रो चलती है और दिल्ली गाजियाबाद में भी लोकल ट्रेन चलती है और मुंबई में भी लोकल ट्रेन चलती है. वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज होती है. तो राज की जो मम्मा है वो ऑफिस जाती है किसके थ्रू? बाया ट्रेन. इन दी समर हॉलीडेज राज एंड हिज फैमिली विजिटेड टू हिज अंकल इन लंदन. दे वेंट बाय एन एरोप्लेन. अब जब छुट्टियां पड़ती हैं आप लोगों के समर हॉलीडेज होते हैं तो आप लोग अपने अंकल के यहाँ, अपनी मासी के यहाँ, अपने रिलेटिव के यहाँ घूमने जाते हैं ना, ऐसे ही राज भी जाता है अपने रिलेटिव के यहाँ घूमने. तो उसके रिलेटिव कहाँ रहते हैं? उसके रिलेटिव लंदन में रहते हैं. लंदन यानी कि हम कहाँ रहते हैं? हम लोग इंडिया में रहते हैं. अब इंडिया से लंदन ट्रेन में चले जाएंगे आप लोग? नहीं, आप लोग ट्रेन पर नहीं जा सकते. क्या आप लोग बाइक पर, साइकिल पर जा सकते हैं? नहीं. मैंने अभी अभी आपको बताया एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए हम क्या लेते हैं? हम एरोप्लेन लेते हैं, जो कि क्या है? वो है एक एयर ट्रांसपोर्ट, है ना. ये एयर में होता है ना, स्काई में होता है. तो यहाँ पर किसका यूज किया इन्होंने? यहाँ पर इन्होंने एयर ट्रांसपोर्ट का यूज किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर इन्होंने कंट्री चेंज किया. नाउ अब हम पढ़ेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट. सम व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, मोटर बाइक्स एंड ट्रक्स ट्रेवल ऑन लैंड. दीज व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. यानी कि जो व्हीकल्स लैंड पे चलते हैं उन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से? कार, ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या है? ये सब है आपके लैंड ट्रांसपोर्ट. जो लैंड पे चलते हैं उन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट कहेंगे. व्हीकल्स लाइक ट्रेन, ट्रम्स एंड मेट्रो ट्रेन्स ट्रेवल ऑन ट्रैक. अब कुछ चीजें होती है जैसे कि ये आपके कार है, ट्रक है, बस है, ये कहाँ चलते हैं? ये रोड पर चलते हैं ना, सड़क पर चलते हैं. पर ट्रेन क्या आपकी सड़क पे चलती है? मेट्रो क्या सड़क पे चलती है? नो. ये कहाँ पर चलते हैं? ये आपके चलते हैं ट्रैक पर. ये जहाँ पर ट्रेन दौड़ती है ना उसको बोलते हैं ट्रैक. तो ट्रेन कहाँ चलती है? ट्रैक पर. मेट्रो कहाँ चलती है? ट्रैक पर. Now no more vehicles like train and aeroplane are used to travel long distance because they are faster than other vehicles. अब बच्चों हम ट्रेन और एरोप्लेन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बहुत लंबा डिस्टेंस पे जाना होता है, बहुत दूर जाना होता है. अगर आप मोटर बाइक, कार या बस में जाते हैं, बस भी आपको जल्दी पहुंचा देगी. पर अगर आप मोटर बाइक, साइकिल या कार में जाते हैं तो क्या होता है? वो थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लेंगी, थोड़ा सा ज़्यादा आपको देर से पहुँचाएंगी. पर ट्रेन जो होती है वो फास्ट होती है कार और बाइक से. एरोप्लेन ट्रेन से भी तेज होता है. तो ये आपका टाइम बचाते हैं क्योंकि ये फास्टर है बाकी सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से. वाटर ट्रांसपोर्ट. सम व्हीकल्स लाइक बोट्स एंड शिप्स ट्रेवल ऑन वाटर. These vehicles are called means of water transport. Means बच्चों look at this picture. ये कहाँ पर है? Boat और ship. ये है water में. ये कहाँ चलते हैं? ये चलते हैं water में. तो इन्हें क्या कहोगे? इन्हें कहोगे आप water transport. Means of water transport. जो vehicles आपके water पे चलते हैं उन्हें बोलते हैं means of water transport. Now,
Air transport. Some vehicles like aeroplane and helicopter travel in air. These vehicles are called means of air transport. Means कुछ vehicles, यानी कि कुछ वाहन कहाँ उड़ते हैं, मैंने अभी बताया आपको, हवा में, है ना, sky में ऊपर जाते हैं, तो उनको क्या बोलोगे आप, उनको बोलोगे आप एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो आप स्काई में ट्रांसपोर्ट देखोगे ना, जो व्हीकल्स आप देखोगे स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलोगे, उन्हें बोलोगे एयर ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जांपल कौन कौन से दो है, क्या आपकी कार उड़ सकती है हवा में, तो कार क्या आपकी एयर ट्रांसपोर्ट है, नो, द आंसर इज नो. द राइट आंसर इज एयर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से है आपके, यस, लुक एट दिस पिक्चर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, तो ये क्या है, ये आपके हैं एयर ट्रांसपोर्ट. सो किड्स टुडे वी हैव लर्न अबाउट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वी हैव लर्न अबाउट थ्री मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. सो किड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमोरो वी विल लर्न अबाउट कम्युनिकेशन. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.